नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। जैसे मैं हर बार कुछ केसेस बनाता हूँ, कुछ दवाइयों के, कुछ मरीजों के वीडियो बनाता हूँ, तो उसी कड़ी में ये केस है। हमेशा की तरह मैंने भी इसको वर्बेटम बनाया है। ये एक टेलीफोनिक केस है, मतलब रोगी ने फ़ोन पर ही मुझसे कंसल्ट किया था, क्योंकि जैसे आजकल ऑनलाइन ज़्यादातर होता है, तो इसलिए ये ऑनलाइन केस है। बहुत पुराने लोग हैं मेरी जानकार, ये जानकार का मतलब बहुत पुराने पेशेंट हैं, अक्सर दवाइयाँ लेते रहते हैं। तो सब कुछ लिखना, सब कुछ याद रखना, फिर उसको बोलना, ये संभव होता नहीं है। नॉर्मली अगर हमें किसी केस को बताना हो, तो जब हम पेशेंट की बात बताएंगे, तो हम वो बातें बताएंगे जो हमने परसीव की है, ना कि एग्जैक्ट पेशेंट ने क्या बोला और उसका क्या वर्जन था। तो इसलिए मैं हमेशा वर्बेटम बनाता हूँ, यानी जो उसने बोला था उसको हूबहू लिखने की कोशिश करता हूँ, एक एक शब्द कोशिश करता हूँ कि उसकी भावनाएं भी इसमें समा जाएं, ताकि आप खुद समझ सको कि जो मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है, या उसके अलावा आप उसको किस ढंग से इंटरप्रेट कर सकते थे, या उसकी किस भावनाओं को मैंने कैसे इंटरप्रेट किया। तो एक किस्म से मैं कोशिश करता हूँ कि हर केस को एक लाइव सेमिनार की तरह मैं केस बना दूँ। तो पर बाकी बहुत कुछ तो आप अपनी कल्पना शक्ति से भी महसूस कर सकते हैं कि पेशेंट ने क्या बोला होगा, किस अंदाज में बोला होगा, जिससे ये एक प्रेजेंटेशन, यानी उसकी कल्पना कर सकते हो कि जैसे पेशेंट आपके सामने बैठा है। तो ये जो एक केस है, लगभग 50 वर्षीय महिला है। पूरा परिवार मुझसे काफ़ी लंबे समय से इलाज करवाता है, और बहुत वर्ष पहले इसने भी अपनी मेंसेस की गड़बड़ी के लिए, इलाज के लिए मुझसे दवाई ली थी, जो कि एगेरिकस की एक खुराक से ठीक हो गई थी। इसका केस मैंने अपने सेमिनार में भी प्रेजेंट किया था। फिर इसके पूरे परिवार को कोरोना हुआ अभी 2020 में, तो उस वो भी हमारे इलाज से सभी लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। और ठीक होने के बाद जो कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट जो बहुत लोगों में पाए जाते हैं, इनमें से किसी को भी कोई भी आफ्टर इफ़ेक्ट ऑफ कोरोना नहीं डेवलप हुआ था। अब कई साल पहले ये लोग, जब पति का ट्रांसफ़र हुआ बेंगलोर, तो दिल्ली से ये लोग बेंगलोर चले गए। पहले पति गया, बाद में इनका परिवार चला गया, तो बेंगलोर चले गए, परंतु इसके सास ससुर दिल्ली में ही रह गए। इनका एक मकान था जिसमें एक दो फ्लैट, एक नीचे ग्राउंड का, एक फर्स्ट का। तो ग्राउंड पे सास ससुर रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर पर इनके ये खुद रहते थे। तो पहले ये खुद अपना मकान बेच के फर्स्ट फ्लोर बेंगलोर शिफ्ट हो गए, और सास ससुर यहीं। अब बेंगलोर में इनके पास अपना एक फ्लैट है जो इनकी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी है। फ्लैट छोटा है, पर इनकी फैमिली के हिसाब से इनको ठीक है वो। तो यहाँ पर ये बड़ी खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि इसके सास ससुर काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए। कई साल पहले ये आए हैं, वो लोग वहीं थे दिल्ली में। अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उनका भी दिल्ली में रहना संभव नहीं था। तो उन्होंने भी अपना दिल्ली वाला फ्लैट बेचकर इन लोगों के पास बेंगलोर में रहना शुरू कर दिया। अब उन लोगों ने तो मजबूरीवश अपना बहुत सारा सामान कबाड़ी को बेच दिया फ्लैट का, क्योंकि बेंगलोर जाना सामान का सारा संभव भी नहीं था, और फ्लैट में जगह भी नहीं थी। और जो सामान कुछ बचा, वो एक कार्गो कंपनी जिससे सामान को जाना था, उनके गोदाम में इन्होंने रखवा दिया, और उसको वो किराया देते रहे। अब मैं अपना कोई नोट आपको समझा रहा हूँ। दिल्ली में इन लोगों के पास दो फ्लैट थे, ग्राउंड फ्लोर पर सास ससुर, और प्रथम तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग रहते थे। ये लोग अपना फर्स्ट फ्लोर का मकान बेचकर बेंगलोर चले गए थे। इसके सास ससुर दिल्ली में ही अपने ग्राउंड फ्लोर वाले फ्लैट में रह रहे थे, परंतु अब वो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो इसलिए वो लोग भी अपना फ्लैट बेचकर इन्हीं के पास रहने बेंगलोर आ गए हैं। अब शुरुआती दौर में जब लोग आए, तो अकेले सास ससुर आए थे, वो सामान नहीं लाए थे अपना, तो घर में दो लोग थे तो एडजस्ट हो गए।
तो कोई परेशानी किसी को हुई नहीं उनके आने से, तो ये परिवार पूरा खुश था। परंतु 2 वर्षों के पश्चात सास ससुर ने जब अपना मकान बेचा, कार को गोदाम से बेच के जो कार को गोदाम में रखा हुआ था वो सामान भी ये इसी फ्लैट में ले आए। अब जिस कारण से वहाँ बहुत ज़्यादा खिच खिच यानी बहुत ज़्यादा घिच पिच जैसा हो गया ना, और सामान के साथ कॉकरोच भी इनके घर में आ गए, यहीं से इस महिला की समस्याएं धीरे धीरे शुरू होने लगी। अब परंतु ये सास ससुर की उनके सामान के प्रति भावनाओं को देखते हुए कभी भी यह नहीं कह पाई कि वो लोग घर का जो ये फालतू सामान है इसको आप कबाड़ी को बेच दो, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी नहीं है और घर में जगह भी नहीं है। परंतु ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, और ये डिप्रेशन लगातार बने रहने वाला डिप्रेशन नहीं था, पर धीरे धीरे जा रही थी। यानी बीच बीच में ये खुश भी रहती थी, परंतु जितनी भी इसकी खराब हालत है उससे भी ये काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पर मैं इस केस का विवरण जो लिख रहा हूँ वो शब्द व शब्द लिख रहा हूँ, और वीडियो में भी इसकी वास्तविक आवाज़ को भी मैं सुनवाऊँगा। ये बहुत साफ रिकॉर्डिंग है जहाँ से बड़े आराम से आप सुन सकते हो, पर मैं फिर भी बोलकर भी इसको आपको बता रहा हूँ। ये जो 27 अक्टूबर 2021 दोपहर 12:27 पर इसका फ़ोन आता है महिला का, नमस्कार डॉक्टर साहब, अभी आप खाली हो क्या? वैसे तो ये कर्सी होती है ऐसे लोगों का बोलना, पर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कौन खाली होता बैठा हुआ कि आपकी बात आप फ़ोन करेंगे वो आपकी बात को सुनेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये रेलेवेंट होता है, पर फिर भी चलो जैसा भी लोग बोलते हैं। तो ये कहती है, अभी आप खाली हो क्या? मैं भी अभी आपसे बात कर सकती हूँ क्या? अभी मुझे डिप्रेशन जैसा हो रहा है, इधर गर्दन में भी दर्द रहती है, अब मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, ये सहज योग का ध्यान करते हैं तो इसलिए ये बता रही है कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, पर मेडिटेशन के बावजूद भी मेरा दर्द जा नहीं रहा है। पर ध्यान पूरा लग नहीं रहा है, घर में ऐसा लगता है कि घर में हर तरफ सामान ही सामान भरा हुआ है, गंदगी है, इससे मेरा मन एकदम से परेशान सा हो जाता है, और इससे एकदम से मुझको ना डिप्रेशन सा हो जाता है। जो महिला की आवाज़ है वो बहुत ही दुखी परेशान जैसी लग रही है उसकी आवाज़ बोलने के अंदाज से। तो पूछता हूँ भाई ऐसे कब से होने लगा? कल तो ये बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़े दिनों से ही चल रहा है, ऐसा 4-5 दिनों में कभी कभी हो जाता है, और अब थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा है। अभी कल भी ऐसे लग रहा था, फिर सुबह हो गया। जब होता है तो उस समय तो बहुत परेशानी सी लगती है, और जब वो फेस निकल जाती है तो फिर सब ठीक हो जाता है। सिर भी भारी भारी लगता है ऐसे, काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, घर में सब लोग हैं, अब सास ससुर भी साथ रहने लगे हैं, अब पता नहीं काम का प्रेशर ज़्यादा है उससे हो रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है किससे हो रहा है मुझको। अब रोगी जब भी डॉक्टर के पास आता है तो वो हमेशा तब आता है जब उसका काम चलना बंद हो जाता है, यानी जो नॉर्मल स्मूथ लाइफ है उसमें कुछ अड़चन आने लगती है, तब ये लोग डॉक्टर के पास आके उसका समाधान चाहते हैं। उससे पहले कितने भी बीमार हों और इनका काम चल रहा हो तो नॉर्मली लोग नहीं आते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई आप तो, मेरे को क्योंकि इसका बैकग्राउंड मालूम है तो इसलिए मैं तुरंत पूछता हूँ, तो आपको फ्लैट में जगह छोटी पड़ रही होगी इसलिए शायद ये हो रहा है, क्योंकि उसने ऊपर सामान बिखरे रहने की बात करी थी। हाँ हाँ, बहुत ही वो आत्मविश्वास से जवाब देती है, हाँ डॉक्टर साहब ये यही बात है, पहले तो वो अकेले ही आए थे, मतलब सास ससुर अकेले ही आए थे, पर अब उनके फ्लैट का सामान भी हमारे यहाँ आ गया है, और हमारे यहाँ तो जगह छोटी पड़ी रही है, वो भी दिक्कत हो रही है, और सब तरफ सामान बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, ऐसे लगता है जैसे सारा घर भरा हुआ है, वो ही सारी परेशानी लगती रहती है मुझको, सारा दिन एक टेंशन टेंशन सी रहती है।
सामान सारे में फैला पड़ा है, कुछ भी सिमटा हुआ नहीं है। तो मैं पूछता हूँ, क्या आपके सास ससुर 2 साल से आपके पास हैं? हाँ जी, हाँ जी, परंतु उनका सामान तो अभी 2 महीने पहले ही हमारे यहाँ आया है। पहले 2 लोग तो घर में एडजस्ट हो गए थे, पर अब उनके घर का भी सामान आ गया है। हालांकि उन्होंने बहुत सारा सामान फेंक भी दिया था, 2 साल तक सामान कार्गो वालों के यहाँ भी रखा रहा, उनका किराया भी वो लोग देते रहे, 2-2.5 लाख रुपए किराया दे दिया, जबकि इतने का तो सामान भी नहीं था उनका। पर जितना भी सामान आया है वो भी सब बिखरा पड़ा है, सब तरफ गंद गंद सा लगता रहता है। उनके सामान के साथ काकरोच भी आ गए हैं। अब उनको देखकर भी मुझको बहुत घिन होती है। किचन में खाना बनाते समय यही देखते रहो सारा दिन कि काकरोच इसके ऊपर तो नहीं चढ़ गया, उसके ऊपर तो नहीं चढ़ गया। अब हमने तो काकरोच वाला ट्रीटमेंट यानी पेस्ट कंट्रोल भी करवा लिया, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ, यानी उससे भी काकरोच ख़त्म नहीं हुए। वो कहते हैं भाई इसका असर आने में तो समय लगेगा, पर ऐसे नहीं है, समय नहीं लगता, वो तो तुरंत ही 1-2 दिन में ही साफ़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इसको किसी भी समस्या का समाधान कहीं मिल नहीं रहा है। तो मैं पूछता हूँ, अगर जगह छोटी जगह में ज़्यादा सामान भर दोगे तो फिर आपको परेशान तो करेगा ना, क्योंकि इधर से उधर आने जाने के लिए जगह तो बचेगी नहीं आपके पास, तो वो तो एक बड़ा कारण है ही आपके डिप्रेशन का। तो ये जवाब देते हैं, हाँ सर, पर वो समस्या तो स्थायी है, मतलब परमानेंट है। सामान नहीं होगा ना तो फ्लैट बड़ा होगा ना सामान छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि इससे तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों को ही अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। मेरे ही दिमाग में प्रॉब्लम है, मैं खुद को कैसे रिलैक्स करूं, मतलब अपने माइंड को मैं कैसे रिलैक्स करूं, पर वो सब हो नहीं पा रहा। यानी मुझको ये मालूम है कि जो कुछ समस्या है वो मुझे अपने माइंड को रिलैक्स करके मुझको ही सॉल्व करनी है, पर वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं पूछता हूँ, घर के और लोगों को भी ऐसी परेशानी महसूस होती है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी हो रही है। तो मैं कहता हूँ, घर पर तो कोई परेशान नहीं हो रहा, पर वो लोग तो कुछ काम भी तो नहीं करते होंगे ना। तो इसके घर में तो बूढ़े सास ससुर हो गए, एक बच्चा है डाउन सिंड्रोम का, वो कुछ करता नहीं है, उसका भी इसी को करना होता है, और इसके पति हैं जो जॉब पे चले जाते हैं, तो सारा काम करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तो रोगी कहते हैं, हाँ वो भी एक बात है, कोई भी कुछ नहीं करता, और सास ससुर को तो काकरोच की आदत है ही, क्योंकि दिल्ली में भी उनके घर में तो काकरोच थे, पर मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पर था, वहाँ तो काकरोच बिल्कुल नहीं थे, इसलिए मुझे तो आदत नहीं है इन काकरोचों के साथ रहने की। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि काकरोच देखकर मुझको घिन आती है, और उन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस बात से। तो पूछ रहा हूँ, जब इस महिला ने मुझसे बात करना शुरू करा था तो ये बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी, परंतु जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ रही है ये रिलैक्स होती जा रही है, और इसके हंसने की आवाज़ भी अब फ़ोन पर आने लगी है। तो मैं कहता हूँ, अब यह हमारे घर में जितनी जगह थी उतना वो सामान हमने रख लिया, बाकी सामान तो घर में आ ही नहीं सकता है, पर फिर भी घर में पड़ा तो है वो। तो मैं पूछता हूँ, भाई अभी आपको क्या लग रहा है कि मेरी सोच में खराबी है? हाँ मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है, मुझे अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियाँ तो बदलेंगी नहीं, क्योंकि ना फ्लैट बड़ा होगा ना सामान कम होगा, तो इसलिए हमें अपने आप को ही बदलना है। पर वो मैं कैसे अपने आप को बदलूं, यही मुझको समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे तो मेरी आँखें खुलती जा रही हैं, सिर हल्का होता जा रहा है, मैं बड़ी रिलैक्स होती जा रही हूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ, भाई ऐसा मुझसे ही बात करके लगा है या फिर किसी से भी बात करके लगता है आपको? नहीं नहीं, अभी आप ही से बात करके रिलैक्स लग रहा है, पर सबके साथ बात करके भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक फेज आता है जब ये सब होता है, और फिर कुछ समय बाद किसी से भी बातचीत करती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। जब मेरे पति भी बात करते हैं तो मैं चिढ़कर कुछ भी बोल दूँगी, पर थोड़ी देर के बाद जब वो फेज निकल जाता है
तो फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। जब ऐसी गंदी स्थिति आती है तो एकदम से मेरा फिर रोने का मन करता है, पर मैं रो नहीं पाती हूँ। कभी कभी रोती भी हूँ पर खुलकर नहीं रो पाती हूँ, दिल हल्का नहीं हो पाता है। अब ये टोटल इतना ही केस है। हेलो, हाँ जी, जयश्री माता जी डॉक्टर बोल रही हूँ बैंगलोर से। हाँ जी, हाँ बताओ। हाँ डॉक्टर, अभी खाली हुआ, बात कर सकती हूँ क्या? हाँ बताओ। हाँ डॉक्टर, पता नहीं थोड़ा ना डिप्रेशन टाइप हो रहा है। अच्छा। और ये इधर गर्दन में भी दर्द रहती है। हाँ। तो मैं मेडिटेशन भी कर रही हूँ, क्लियर भी कर रही हूँ, बट पूरा नहीं हो पा रहा है। और एकदम मतलब जैसे सब तरफ ऐसे लगता है जैसे सामान भरा हुआ है, गंदगी है, और मतलब मन बड़ा परेशान सा हो जाता है और एकदम डिप्रेशन सा होता है। अच्छा, कब से होने लगा ऐसा? तो बहुत ज्यादा था ये, अभी थोड़े दिन से ही चल रहा है ऐसे, कभी कभी हो जाता है, 4-5-6 दिन से ही था। अब थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे हो रहा था, जैसे कल भी लगा, आज फिर हुआ सुबह। तो उस टाइम तो बहुत परेशानी सी लगती है, जब थोड़ी देर वो फेज निकल जाता है उसके बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर भी भारी भारी लगता है ऐसे। तो प्रेशर पता नहीं, काम भी ज्यादा है, सब है, मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं, तो पता नहीं शायद काम का प्रेशर है, वो भी हो जाता है। मम्मी पापा कौन, आपके सास ससुर या वो दोस्त? हाँ जी हाँ जी, सास ससुर भी हैं। मकान मतलब पूरा मकान छोड़ दिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी यहाँ पे मतलब आपको क्या मतलब जगह छोटी पड़ रही होगी मुझे लगता है आपको। हाँ डॉक्टर साहब, वही बात है, क्योंकि अब उनका पहले जैसे सामान नहीं था, अब वो सामान भी आ गया, तो वही है, जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है, वही दिक्कत हो रही है सारी। उसी से सब तरफ सामान सामान बिखरा बिखरा पड़ा रहता है, तो वो ऐसे लगता है कि अरे सारा भरा हुआ घर, तो वही सारी परेशानी इकट्ठी एकदम ऐसे ही लग रहा है, शायद यही लग रहा है मुझे भी कि सामान ज्यादा हो गया है घर में, तो भरा भरा सा है, तो टेंशन टेंशन पूरा दिन रहती है दिमाग में कि सब तरफ फैला ही पड़ा हुआ है, कहीं समझता हुआ नहीं है। वो कब आए थे? 2 साल से हैं वो लोग आपके पास? हाँ जी हाँ जी, 2 साल से, बट सामान अभी उनका 2 महीने पहले ही आया है, तो वो शायद इसीलिए, तो लोग तो एडजस्ट हो जाते हैं, बट जब सामान आ जाता है, तो वो पूरा घर का सामान था ना, तो काफी डिस्पोज भी कर दिया, काफी इधर उधर दे भी दिया, बट फिर भी है ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बर्तन वर्तन भी है, तो वो जहाँ देखो एकदम गंद गंद होता है, कॉकरोच भी तब से अभी आने लगे हैं थोड़े टाइम से, तो उनको भी देख के बड़ी इरिटेशन की होती है कि पूरे किचन में खाना बनाना हो, हर टाइम यही देखते रहो कि इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा, उसके ऊपर तो नहीं जा रहा। अच्छा। कॉकरोच वाला ट्रीटमेंट भी कराया है, बट वो बोलते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको। नहीं, ये सब जो है ना सामान, तो अब देखो इसको, जब एक जगह छोटी है और सामान ज्यादा है, तो वो तो आपको फिर इरिटेट करेगा, फ्रीडम नहीं रहेगी ना फिर आपको। हाँ जी, तो वही है डॉक्टर, वो चीजें तो परमानेंट है ना, वो चीज तो ठीक नहीं हो सकती है, तो बट हम लोगों को अपना ही सोच ठीक करनी पड़ेगी, उसी में ही प्रॉब्लम है। तो वही है, खुद को रिलैक्स कैसे करूँ और खुद का माइंड कैसे रिलैक्स करूँ, वो पूरा हो नहीं पा रहा है। बाकी भी लोग इरिटेट होते हैं कुछ? नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कोई इरिटेट नहीं हो रहा ना, कोई करता काम ही नहीं करता होगा ना। हाँ वो भी बात है कि कोई काम भी नहीं होता ज्यादा उनके लिए, और बाकी क्योंकि वहाँ दिल्ली में भी थे, तो उनको थोड़ी आदत है कॉकरोच और इन सब चीजों की, मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में नहीं थे, बट हाँ नीचे के ग्राउंड फ्लोर में तो आ ही जाते हैं, तो उनके में थे, तो उनको आदत है और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, तो शायद एक ये भी रीजन हो सकता है कि मुझे इरिटेशन ज्यादा होती है इन सब चीजों की वजह से। तो कॉकरोच मतलब उनके सामान के साथ आ गए हैं? हाँ डॉक्टर साहब, वही था, वो उसके अंदर ही थे, जो कार्टन वगैरह खुले हैं ना, अब वो वहाँ पर एक्चुअली 2 साल सामान पड़ा रहा, जहाँ पर ये अग्रवाल वालों के यहाँ, तो शायद वहाँ पर चले गए या कहाँ से आए पता नहीं, बट हाँ जब से सामान आया उससे थोड़े दिन बाद ही आने शुरू हो गए थे। अग्रवाल वालों के यहाँ 2 साल सामान रखा रहा आपका? हाँ हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब, वहाँ पड़ा रहा 2 साल सामान, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं थी, तो अब सामान आता कहाँ पर, तो फिर वहीं हम रेंट दे रहे थे और सामान वहीं पड़ा हुआ था। सामान कहाँ पर? फाइनली कब तक उसको वहाँ, तो यहाँ पर गोडाउन में रखा हुआ था अग्रवाल वालों से। अच्छा, तो वो पैसे लेके रख लेते हैं?
हाँ जी हाँ जी हाँ, वो रेंट लेते रहते हैं हर महीने का और वहाँ रख लेते हैं। तो इतने का तो सामान भी नहीं होगा जितना रेंट आपने दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, सही बात है। 2-2.5 लाख रुपया खर्च हो गया और सामान तो ज्यादा था ही नहीं, और फिर अब आया भी है तो सामान इधर उधर डिस्पोज करना पड़ गया। तो अब तो क्या कर सकते हैं, जितनी जगह थी वो यहाँ पर सामान रख लिया, बाकी आ ही नहीं सकता था तो क्या कर सकते हैं। तो अभी डिप्रेशन आपको लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि मेरी सोच में खराबी है? हाँ डॉक्टर, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि मुझे अपनी सोच ही बदलनी चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो तो बदलेगी नहीं, तो हमें अपने आप को ही बदलना है। तो वो फिर कैसे अपने आप को ठीक करूँ ये नहीं समझ आ रहा। अभी आपसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी आँखें थोड़ी खुल गई हैं, और ऐसे फिर थोड़ा हल्का हल्का मुझे लग रहा है, फील हो रहा है अभी इस टाइम पे। मतलब वो क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों लग, सब किसी से बात करके लगता है या मेरे से बात करके लगने लगा है? नहीं, मैं अभी आपसे बात की थी, अभी मुझे थोड़ी सी वैसी सी फीलिंग हो रही थी, तो पर अब मैं आपसे जैसे बात कर रही हूँ तो हाँ मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है अभी कि हाँ मैं रिलैक्स हो गई हूँ और मेरी आंखें एकदम जैसे ब्राइटनेस लग रही है, खुल गई हैं। वो तो मुझे समझ आ रहा है, छोटी सी आंखें लग रही थी। वो तो मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, क्योंकि आप पहले उदासी में बात शुरू करी थी और अभी आपने हंस के बात शुरू करी है, कर रहे हो। हाँ जी, वो तो मुझे फोन पे समझ आ रहा है कि आप बदल गई हो। पर ये क्या सभी से बदल जाती हो ऐसे ही जब बात करती हो, या सिर्फ मेरे से बात करके बदल गई हो? नहीं डॉक्टर, ये सबके साथ ही मेरे को लगता है ऐसे होता है। कोई एक ऐसा फेज आता है जब एकदम मेरे को कुछ होता है और थोड़ी देर के बाद वो चीज ठीक हो जाती है, तो फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ एकदम। कभी भी ये भी बात करते हैं तो कभी एकदम इरिटेशन से बोल दूंगी, और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो फेस ठीक हो जाता है तो फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो अभी और एकदम जब गंदा सा होता है तो ऐसे बड़ा रोने का भी बहुत मन करता है, बट रो नहीं पाती हूँ। कभी कभी रोती भी हूँ अंदर अंदर, बट हाँ ऐसे बाहर नहीं रो नहीं पाते हैं पूरा, कि हाँ दिल हल्का नहीं होता पूरा ऐसे। अभी आपके पास दवाई होगी, शीशियाँ है ना मेरे पास बची? हाँ जी हाँ जी, उसमें होगा MIF। अच्छा MIF, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, कुछ उसकी अभी एक खुराक ले लो, ठीक है। और शाम को भी दिक्कत उतनी ही ज्यादा बनी रहे शाम को, कल को तो बात कर लेना। डॉक्टर, लंबी दवाई लेनी पड़ेगी इसमें? नहीं नहीं, अभी पता नहीं, लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी अभी कुछ नहीं कह सकते कि आपकी क्या स्टेज है, कितना डिप्रेस हो गई हो मुझे नहीं पता ना। और फिर जितना सामान निकाल सकते हो ना निकाल लो, ठीक है। सामान के लालच में मत रहो, जितना बेच सकते हो कबाड़ी वाले को बेच दो, ठीक है। चाहे वो 2 रुपए दे, चाहे 10 रुपए दे, या 1000 रुपए दे, मतलब ये मत सोचो कि इतने का सामान और इतना बेच दिया। उसको निकालने से आपकी ना दिमाग शांत हो जाएगा, वो 10-20 दिन ही दुख रहेगा सामान का बेचने का, बाद में फिर आपको वही लगता है ना, मम्मी पापा ने इतना सामान बेच दिया उनको इतना दुख होगा, तो अब मैं और बोलूंगी उनको कि ये भी निकाल दो, तो फिर वो भी और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। वो 2-4 ये भी बोल रही है कि ये भी निकाल दो, सब निकाल दो। 2-4 दिन ही रहेगा, 10-15 दिन रहेगा, फिर सब भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि नहीं तो ऐसे तो फिर आप ना बीमार हो जाओगी, मैं बता रहा हूँ, इलाज नहीं होगा ना, क्योंकि आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट तो चाहिए ना स्पेस मूवमेंट के लिए। हाँ जी, हाँ तो वो नहीं होती है तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है डॉक्टर, ओके ओके ओके। क्योंकि मैं जब प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ तो नॉर्मली रिपर्टराइज नहीं करता हूँ, तो ऐसे ही मैंने जो भी मेरे को फील लगा मैंने दवाई का नाम इसको बता दिया, और इसने क्योंकि वो दवाई रेयर मेडिसिन थी तो उसको नहीं मिल रही आसानी से। पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ रूब्रिक भी दे रहा हूँ, पर उस समय मैंने रूब्रिक नहीं लिए थे। ये हैं कन्फ्यूजन ऑफ माइंड वॉकिंग इन ओपन एयर एम्ब्लोरेट, एक्साइटमेंट एम्ब्लोरेट, फियर सफोकेशन ऑफ ग्वाइटर इन, ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एम्ब्लोरेट, डेल्यूजन मैन परफोरेट हिज थ्रोट विद ए गिमलेट,
मैन इन द रूम इंटेंडिंग टू। अभी मैं कुछ टिप्पणी लिख रहा हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ मैंने लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो कुछ आपको ऊपर नीचे इररिलेवेंट सा भी लग सकता है, परंतु आप लोगों को समझाने के लिए कुछ रूब्रिकों का मैं यहाँ वर्णन करना मुझको पड़ता है। परंतु औषधि को अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका है कि उस औषधि के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को लेकर उनकी सूक्ष्म व्याख्या करें, मेटाफोरिकल व्याख्या करें, तथा उस रूब्रिक को अन्य रूब्रिक से, यानी जो जिसकी आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सिंगुलर मेडिसिन अकेली दी होती है, उस रूब्रिक का अध्ययन करना है आपको, और उस रूब्रिक का दूसरे रूब्रिकों से क्या संबंध है ये स्टडी करना है, तब आपको एक पूरी पिक्चर मेडिसिन की समझ आ जाएगी कि वो किस किस्म का ये व्यक्ति होता है, किस हालात में कैसे बिहेव करता है। तो फिर रूब्रिक भी अगर आप भूल भी जाओगे तो भी आप दवाई को पहचान पाओगे। तो ये इस तरीका जो है बिल्कुल सटीक तरीका है दवाई के चुनाव करने का। तो मैंने इसको दिया मर्क आयोडेटम फ्लेवम, 200 की एक खुराक इसको खाने को मैंने कहा, और मैंने इसको फालतू सामान को बेच देने की सलाह दी, क्योंकि अगर एक कारण बना रहेगा तो फिर रिलैप्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा बहुत मूवमेंट के लिए घर में जगह चाहिए, फ्रीडम तो चाहिए थोड़ी सी। तो मैंने कहा भाई आप सामान बेच दो, इससे आपका मन शांत हो जाएगा, तो कुछ दिनों तक जो सामान बेचने का दुख है वो कुछ दिन ही रहेगा, सास ससुर को भी कुछ ही दिन बुरा लगेगा, बाद में सब भूल जाते हैं जब उनको कंफर्ट मिलने लगता है। तो रोगी कहती है मम्मी पापा ने तो इतना सामान पहले ही बेच दिया, मम्मी पापा मतलब सास ससुर, उनको उससे बहुत दुख हुआ था, अब मैं उनको और भी सामान बेचने को कहूँगी तो वो और भी दुखी होंगे और कहेंगी कि लो अब तो ये बाकी का सामान बेचने को भी बात कर रही है। तो मैं कहता हूँ पर आप बेच डालो, लालच मत करो, इसका दुख उनको भी कुछ ही दिन रहेगा और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि घर में एक खुला खुला सामान्य वातावरण तो चाहिए, तभी आराम से रह सकते हो आप। अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप बीमार हो जाओगी। कह लगी ठीक है डॉक्टर साहब, जय श्री माता जी, नमस्ते। तो इतना डिस्कशन हुआ। इनको ये मेडिसिन मार्केट से परचेज करनी थी, तो इन्होंने कई दुकान पर तलाश किया, तो कई घंटों की खोज के बाद इनको ये दवाई मिल गई। तो फिर इन्होंने खा के कुछ ही देर बाद फॉलोअप, यानी 8:35 पर इसने व्हाट्सएप मैसेज किया, पर इसने दवाई लगभग 4 या 5 बजे के आसपास खाई थी। तो एक इसका मैसेज है, शाम को 8:35 पर इसने व्हाट्सएप मैसेज करके सूचना दी कि दवाई की एक खुराक खाने के कुछ सेकंड में ही उसकी सारी स्ट्रेस एकदम से खत्म हो गई, जबकि इसने दवाई काफ़ी लेट खाई थी, मतलब 5 के आसपास। मैसेज का वो मैं पढ़ रहा हूँ, MIF 200 मिल गई है, मैंने उसे खा लिया है, कुछ ही सेकंडों में मेरी सारी स्ट्रेस एकदम से ख़त्म हो गई है, अब मैं बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रही हूँ। अब ये तो मैसेज आ गया, पर मैं खुद कंफर्म करना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरी दवाई के कारण ये रिलैक्स हुई है या ऐसे किसी हालात का जो फेज़ की बात कर रही थी उसके कारण हुई है। तो इसलिए मैं खुद फ़ोन करता हूँ इसको। तो ये नेक्स्ट डे 28 को दोपहर 11 में फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ जी, जय श्री माता जी डॉक्टर। हाँ जय श्री माता जी। हाँ डॉक्टर, मेरे को ना थोड़ा एक्चुअली वो था, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। हाँ। तो थोड़ा गैस वैस बन जाती है, इसके लिए भी उसी में हो जाएगी दवाई? अभी आप कब से हो रही हो, कब्ज वगैरह जो भी है? क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, कितने दिन से है कब्ज आपको? कॉन्स्टिपेशन तो है डॉक्टर, चलता रहता है, कभी हो जाता है ठीक, कभी नहीं होता है, ऐसा ही चलता ही रहता है। तो अभी आप ना सलाद उलाद की क्वांटिटी ज्यादा लो। अच्छा, उससे बढ़ता है, उससे ठीक होता है पेट। ठीक है खाना चाहे कम कर लो, पर जितना भी मैक्सिमम सलाद हो ना ज्यादा खाओ, ज्यादा से ज्यादा एनीथिंग, कुछ भी खा सकते हो उसमें। ठीक है, ठीक है। और ये डॉक्टर, इसमें
और जैसे ये सर्वाइकल में, जैसे वैसे तो मुझे आज सुबह जैसे कई बार वैसी सिचुएशन आई भी हैं, तो मतलब मुझे लगा कि हाँ मुझे स्ट्रेस उतना नहीं है और मतलब काफी ठीक लगा मुझे। बट ये पेन जो ये गर्दन में जो पेन है ना, ये पता नहीं वर्टिगो का है कि सर्वाइकल इस बीच में वो हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दर्द होती है बाद में ऊपर ऊपर के पोर्शन में ना। तो ये तो पहले कब से हो रहा है ये वैसे तो मुझे बहुत पुराना ही है डॉक्टर, पर अब इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। ये अब कुछ दिनों से फिर ज्यादा हो रहा है, तो दिक्कत ज्यादा फुलके बनाने में ही होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा आगे पीछे होते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे बार बार फिर आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर। नहीं, आप ये देखो ना, कल से जब से पाइप और खाई है, MIF खाई है, तब से आपको टोटल मिला के अपनी तबीयत कैसी लग रही है? हाँ, टोटल तो डॉक्टर साहब काफी पॉजिटिविटी है, नहीं तो बहुत नेगेटिविटी आ रही थी हर टाइम, वही नेगेटिव थॉट थे। हाँ। तो उसमें तो पॉजिटिविटी तो आई है काफी आई है, मतलब अपने आपको फ्रेश फील कर रहे हो? नहीं कर रहे फ्रेश? हाँ डॉक्टर साहब, आज सुबह भी उठी हूँ तो मुझे काफी फ्रेश लग रहा था। हाँ, जो हर वक्त इरिटेशन दुखी सा था ना, वो नहीं है ना? हाँ, तो आज वो काफी कम है। इसका मतलब अभी कुछ नहीं करना, ये सब चीजें तो एकदम तो नहीं जाएंगी। हमारा दवाई का टेस्ट तो यही होता है ना कि हम फ्रेशनेस मरीज को लगनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर मेंटली और फिजिकली बेटर है तो बाकी जो पुरानी समस्याएं हैं तो ग्रेजुअली हटने लगेंगी। ठीक है डॉक्टर, ठीक है। मुझे लगा एक बार आपको बता दूं तो ज्यादा बेटर है, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अभी मुझे और कोई दवाई तो खानी नहीं है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं खानी। जब दोबारा डिप्रेशन लगे तो एक आध डोज खा लेना दोबारा। ठीक है। तो ये मार्केट से लेके आए हो, कहाँ से लाए हो? हाँ डॉक्टर साहब, मार्केट से ही फिर खरीदी थी, तो चांस की बात है उनके पास बस एक यही वाली थी, दूसरी वाली उनके पास भी नहीं थी। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब आपका काम तो हो गया, दूसरी वाली मैं भेज रहा हूँ वैसे यहाँ से। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो, जय श्री माता जी। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी कब्ज रहती है, अभी अपना हाल चाल बता रही है, और उसने डिप्रेशन की बात नहीं कर रही अभी, और थोड़ी गैस भी बन जाती है, क्या ये सब भी इसी दवाई से ठीक हो जाएगा? तो मैं पूछता हूँ, कब्ज कब से रहती है? ये तो चलता रहता है, कभी हो जाता है कभी ठीक हो जाता है। तो कहते भाई, आप सलाद की मात्रा बढ़ा लो, कम से कम आधा किलो से ज़्यादा तक सलाद एक दिन में आपको खाना है, तभी कब्ज कम रह सकती है या ख़त्म हो सकती है। तो मैं कहता हूँ, उसमें आप कुछ भी कच्चा खाए जाने वाली सब्जियाँ खाओ, या जो मौसम के फल वगैरह आते हैं वो कुछ भी खाओ, कुछ भी, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, सेब, अमरूद, नाशपाती, अनार, बम्बू गोसा, छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता फल जो सीजन में मिलता है वो आप सब कुछ खाओगे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो ये कब्ज की समस्या आपकी चली जाएगी। रोगी आगे बोलती है, मुझे सर्वाइकल भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ये तो बहुत पुराना है, मुझे ज़्यादा दिक्कत रोटियां बनाने में आती है, क्योंकि उसमें मुझे आगे पीछे होना पड़ता है तो गर्दन हिलती है तो उससे दर्द होता है मुझको। तो मैं कहता हूँ, पर आप मुझको ये बताओ कि कल दवाई खाने के बाद आप कुल मिलाकर कैसा महसूस कर रही हो, क्योंकि हमें एक चीज़ में नहीं टोटलिटी में देखना होता है कि इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है। हाँ, कुल मिलाकर तो मैं काफ़ी पॉजिटिव महसूस हो रहा है मुझको, वरना पहले तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, हर समय नेगेटिव विचार चल रहे थे, उसमें तो काफ़ी सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी आ गई है। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो काफ़ी मुझको फ्रेश लग रहा था, अब जरा सा भी इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो ये फेज वाला नहीं था, ये दवाई का था। तो मैं इसको कहता हूँ भाई, अभी आपको कुछ करना नहीं है, बस हमारी दवाई के सही होने का टेस्ट यही होता है कि रोगी को बहुत कुछ फ्रेश महसूस होना चाहिए, अगर रोगी को ऐसा लगने लगे तो फिर उसकी पुरानी बीमारियां भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं, तो अभी आप वेट करिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, केस को समझेंगे, क्योंकि ये पूरी दवाई तो यहाँ केस के साथ में नहीं बताऊंगा, वो तो जब आप दवाई का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से सीख जाएंगे। ये है कन्फ्यूजन ऑफ माइंड वॉकिंग इन ओपन एयर एम्बुलेटरी।
इसका मतलब होता है खुली हवा में चलने पर व्यक्ति के मन का भ्रम, जो मन टेंशन कंफ्यूजन सा था, वो दूर हो जाता है। तो ये तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, यानी सीधा रूब्रिक रोगी में। पर ऐसे रूब्रिक आपको रोगियों में मिलते कभी नहीं है जैसे लिखे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको उनका मेटाफोरिकल मीनिंग लेना होता है, जो इस किस्म के शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। मतलब अलग इस सेंस में होता है कि उसकी भावना अलग होती है, शब्द यही रहते हैं, यही शब्द के पीछे भावनाएं बहुत अलग हो जाती हैं। या ये कहें कि इन्हीं का जो सूक्ष्म अर्थ है, सूक्ष्म भावना इन शब्दों को जो व्यक्त कर रही है, वो बहुत सी परिस्थिति में एक जैसी होती है। तो अगर हम जितने भी माइंड सेक्शन में हैं, वो बड़े सिंपल सिंपल से रूब्रिक लगते हैं, पर उनकी मेटाफोरिकल व्याख्या तो बिल्कुल अलग होती है। जब वो हमें समझ आ जाती है, तो हम बहुत सारी परिस्थितियों में उस रूब्रिक को लगा सकते हैं जहां हमें लगे कि ऐसा तो होता नहीं है, जैसे कुछ समझते हैं। तो अब किसी भी रूब्रिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके शब्दों को स्टडी करें, जो जो शब्द उसमें यूज़ किए हैं और किस सेंस में यूज किए हैं, जैसे वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, वगैरह वगैरह। तो इस शब्द में, रूब्रिक में शब्द है कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड, ये मेन है। अर्थात दिमाग में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि वर्तमान में उसकी अब क्या स्थिति है। ये मेरे को एग्जैक्ट डिप्रेशन है या और कुछ है, या सामान की वजह से हो रहा है या वर्कलोड की वजह से हो रहा है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको समझ नहीं आ रहा कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, उसको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति को कोई भी व्यक्ति सहजता में नहीं लेगा, क्योंकि जब उसे समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी हालत कैसी है, तो उसको डिस्कम्फर्ट होना, तनाव होना लाजमी है। तो क्योंकि व्यक्ति को वर्तमान समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, तो ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति होती है इंसान के लिए। तो व्यक्ति इससे निकलना चाहेगा, अर्थात यह एक परेशान करने वाली स्थिति है किसी भी इंसान के लिए। दूसरा इसमें शब्द यूज किया गया वॉकिंग, वॉकिंग माने चलना, पैरों पे चलना, मतलब अपनी, तो पैरों पे जब चलोगे तो आप अपनी पावर का यूज करोगे, कमज़ोर होगा तो गिर जाएगा, बैठ जाएगा, कुछ और चोट वोट लग रही होगी तो उसमें भी आपसे नहीं चला जाएगा। तो चला हमेशा, वॉकिंग हमेशा आपको अपने बल पर करनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ से करनी होती है। तो ये, तो जब वॉक करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पैदल चल के। तो इसका सूक्ष्म मतलब हुआ कि व्यक्ति जो कुछ पाना चाहता है, उसको अपने बल पे पाने की क्रिया में लगे रहना, ये वॉकिंग है। ग्रेजुअली जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, वॉकिंग में यही होता है कि मैं 100 मीटर वॉक कर रहा, यानी मैं 100 मीटर का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया। तो वो जहां जाना चाहता है, इन ट्रेवल करना चाहता था गंतव्य तक कि मैं इतनी देर चलूं, तो उसने चल लिया। ऐसी जो कहना चाहता है कि मैं यहां से वहां तक चलूं, तो यहां से वहां तक वॉक करूंगा मैं। तो वॉक करना का मतलब होता है कि जिस जगह वो जाना चाहता है वो अपने बल पर वहां पहुंच जाए, यानी वो प्रक्रिया है, वो क्रिया है वहां पहुंचने की, ये ड्यूरिंग है। ओपन एयर, खुली हवा। अब खुली हवा का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कमरा है, चारों तरफ से बंद है, तो उसको हम बंद हवा कहते हैं, यानी उसमें मूवमेंट नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, यानी एक दबाव सा बनने लगता है थोड़ा सा हमारे सर पर। तो अगर हम सारी खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं तो हवा का एक मूवमेंट आता है, बाहर की फ्रेश हवा भी कमरे में आ जाती है। तो यानी एक ताजगी आती है, नयापन आता है, और उसमें एक गति आ रही होती है, उसमें हम एक अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे होते हैं, बंदिशें नहीं होती। तो खुली हवा मतलब कि हवा के बहाव में कोई रुकावट नहीं है, ऐसी हवा एक ताजगी भरी होती है, उसमें जो हमारा सांस लेना है वो भी बड़ा रिलैक्स होकर सांस ले पाते हैं। तो अगर हम सूक्ष्मता में कहें कि ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो,
उसमें वातावरण में नई ताजगी हो, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, बिल्कुल एक ओपन, कोई बंदिशें नहीं हैं, तो वो खुली हवा कहलाएगी। अब हम तीनों शब्द हमने यूज किए, एमिलोरेट माने उसमें आराम आ जाता है, यानी वो कठिन परिस्थितियाँ हट जाती हैं, परेशान वाली स्थिति से उसको सुख वाली परिस्थिति आ जाती है, ये एमिलोरेट का मतलब है। तो अगर हम इस पूरे रूब्रिक का मतलब समझें, सूक्ष्म मतलब समझें, मेटाफोरिकल मीनिंग समझें, तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जब अपने दम पर बिना किसी बंधन के, यानी कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा, अड़चन नहीं डाल रहा, कि किसी रोक टोक के कार्य करता है, तो उसका दिमाग एकदम सही ढंग से कार्य करता है। जैसे एक बच्चा है, मान लो किसी सवाल को सॉल्व करना चाहता है, आप अगर एक तो तरीका है कि टीचर उसके ऊपर सर पे डंडा लेके बैठी रहे, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। एक है कि तू छोड़ दिया उसको, ना उसको सजा का डर है, ना लेट होने का डर है, ना ज़्यादा समय लगने का डर है, किसी तरह का भी डर नहीं है। तो फिर जो सवाल टीचर की प्रेजेंस में उसको नहीं आ रहा था, अब वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर देता है। तो ये हुआ ओपन एयर एमिलोरेट। तो इस महिला के केस में भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति है। जब ये लोग अकेले रहते थे, तो छोटा घर होने के बावजूद भी इनकी गतिविधियों के लिए काफ़ी जगह मिल जाती थी, यानी कोई अड़चनें नहीं आती थी सामान के कारण, जिसके कारण घर में बिना किसी बाधा के इधर उधर ये लोग विचरण कर पाते थे, चल पाते थे, आ जा पाते थे। तो इनके मन पर किसी तरह का कोई दबाव था नहीं। जब इसके सास ससुर आ गए, तो भी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहा, क्योंकि उतनी जगह थी कि वो लोग आराम से रह सकें। परंतु जब इसके सास ससुर का सामान भी उस घर में आ गया, तो घर के हर भाग में सामान ही सामान भर गया, और वो सामान घर में एक व्यवस्थित, यानी जहाँ सामान को प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए वहाँ नहीं रखा गया, तो ऐसी इधर उधर कमरे में, बरामदे में, जहाँ भी जाओ उधर ही, मतलब ओपन स्पेस घट गई। तो जब इधर उधर मूवमेंट करेंगे, कहीं बैठना चाहेंगे, तो उस सामान बीच में अड़चन आएगा, उसके ऊपर से लांग के चलोगे, उसको साइड करके चलोगे, यानी फ्री मूवमेंट आपका ख़त्म हो गया। तो ये खुली हवा नहीं रही, रेस्ट्रिक्शंस आ गए आपके ऊपर। तो सामान तो व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जा सकता था, इसलिए सामान घर में हर जगह भरा पड़ा था, जिसके कारण सामान का बोझा रोगी को महसूस होने लगा है, क्योंकि इसको हर जगह सामान भरा भरा लगता है, और उसके ऊपर काकरोच भी इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे उसको घिन आती है। मतलब मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, हर समय काकरोच पर ही ध्यान रहता है। मतलब कि अब एक बोझ भरे वातावरण में रहने लगी है, सामान के कारण, कम जगह के कारण और काकरोच के कारण। तो यानी अब जगह तो है नहीं, जगह में रुकावट ही रुकावटें आ गई हैं, परंतु इन सब से निकलने का उसका कोई रास्ता उसको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड है, करूं तो करूं क्या जिससे इस परेशानी से छुटकारा मिले। तो उसको मालूम है कि घर में सामान हटा देने से उसकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, पर करूं तो कैसे ये नहीं समझ आ रहा, इसमें कन्फ्यूजन है। परंतु वह सास ससुर को दुख ना पहुँचे, इसलिए वह ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाह रही। इसका मतलब है उसको सास ससुर के भावनाओं की चिंता है, केयर्स फुल ऑफ, उनका भी ध्यान रखा हुआ उसने। तो मतलब है कि वह हर समय इस बात का ध्यान रखती है कि उसके सास ससुर की क्या आवश्यकताएं हैं, उनसे उनको कैसे खुशी मिलेगी या किसी तरह से परेशानी उनको ना हो। परंतु ध्यान रखने का ये कार्य उसके मन पर काफ़ी बोझा डाल रहा है। तो ये जो दवाई है MIF, इसमें कॉन्शियंस बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्शियंस का मतलब होता है जो अपने हिसाब से ही फैसला वो करता भी क्या गलत, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ये गलत नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, मेरी आत्मा नहीं मानती, तो वो कॉन्शियंस होती है। कॉन्शियंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे वह जिसको वह सही नहीं समझता हो। मतलब कि उसकी अंतर आत्मा जिसको ना मानती वो कोई काम नहीं करेगा। कॉन्शियंस ट्राइफल्स अबाउट, इसी कारण से वह अपने सास ससुर को सामान बेचने के लिए नहीं कह पा रही है, क्योंकि उसके लगता है कि इसने कह दिया तो उनको बड़ा दुख होगा।
और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी उसको नहीं सूझ रहा है, तो यही तो कंफ्यूजन है, करे तो करे क्या। परंतु जब इस महिला का ध्यान कहीं और लग जाता है, यानी समान वान इन बंदिशों से हटकर, तो ये सब परेशानियां भूल जाती है। तो इसको कहते हैं ऑक्यूपेशन एम्ब्लोरेट या डाइवर्जन एम्ब्लोरेट। यहाँ इसको उस अच्छी उत्तेजना वाली स्थिति मिल जाएगी, यानी एक एक्साइटमेंट मिल रहा है जो उसको मजा दे रहा है, तो फिर इसको अच्छा लगता है, फिर ये परेशानियां भूल जाती है। अच्छी उत्तेजना वाली स्थिति मिल जाए तो भी उसका मन अच्छा हो जाता है, एक्साइटमेंट एम्ब्लोरेट। अब मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए, जब इसने मुझसे टेलीफोन पर बात करना शुरू किया था तो ये बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी, परंतु जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती गई तो इसका मन हल्का होता गया, यानी यह स्वयं को अच्छा महसूस करने लगी। इतना अधिक अच्छा महसूस करने लगी कि बात करते समय अब यह हंस हंस कर बात करने लगी, उदासी से हंसी की तरफ चली गई, क्योंकि मेरे पुराने जानकार होने के कारण इसको मुझसे बात करना बहुत पसंद है और अच्छा महसूस हो रहा था। एक भावनात्मक रिश्ता जैसे पुराने डॉक्टर के साथ, फैमिली लोग के साथ जुड़ता है, तो इस वजह से इसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्वभावतः MIF व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित, यानी बड़ा खुशी में उछलते रहने वाला, एक्जिलेरेटेड और इलेटेड रहने वाला व्यक्ति है। इतना खुश रहता है कि हर चीज़ उसको अच्छी ही लगती है, और इसमें तो मस्ती झलकती है। तो विसलिंग और सिंगिंग, ये दो रूब्रिक दिए हैं। तो आप सीटी कब मारोगे, गाना कब गाओगे, जब आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कभी मैरिज फंक्शन में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, ऐसे और कोई अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई या उसको बॉयफ्रेंड मिल गया, जहाँ बहुत मस्ती वाला माहौल होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, तो ये, और ये इनवॉलेंट्री होता है, जैसे खुशी अंदर से फूट रही है, तो ये 24 घंटे की MIF की स्थिति होती है। तो फिर ये खराब कैसे हो जाती है? तो ये, यानी ये कभी भी उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। सिंगिंग सैडनेस आफ्टर, यानी अगर उदासी किसी वजह से इसको आ भी गई तो उसके बाद फिर गाना गाना, यानी वो उदासी को हटा के एक तरफ, यानी उदासी के अंदर दबती नहीं है, ये खुद अपने आप को उठाती है ताकि मैं खुश रहूं, यानी जो नेगेटिव चीज़ें इस पे हावी नहीं होती उनको भूल ही जाती है इस। परंतु ये भूलने वाली जो स्थिति है ना, हमेशा नहीं चलती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव बनता रहेगा दिमाग पे, तो भूलने वाली जो दुखी वाली स्थिति है वो बढ़ती रहेगी और अच्छी वाली घटती रहेगी, यानी दुख का फेज लंबा होता चला जाएगा और बाद में तो फिर डिप्रेशन आ ही जाएगा। तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी यह कुछ देर ही लिए परेशान होती है, और जरा सी भी उत्तेजना प्राप्त होते ही फिर चहकने लगती है। लेकिन अगर जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसे इसके घर में भरा हुआ सामान, तो अगर ये लगातार बनी रहें तो धीरे धीरे इसकी उदासी की अवधि, यानी उदासी का टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, और प्रसन्नता यानी खुशी एक्जेलरेशन का टाइम पीरियड धीरे धीरे कम होता चला जाता है, यानी उदास ज़्यादा समय रहती है, अच्छा कम समय रहती है, तो बाद में तो फिर ये परमानेंट उदासी की अवस्था में पहुंच जाती है। तो जहां इसके नेगेटिव कैरेक्टर बहुत सारे आते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, दिमाग थक जाना, नींद न आना, बेचैनी होना, ये बहुत सारी चीज़ें फिर बाद में आ जाती हैं, खुशियां बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो ये विपरीत परिस्थितियां होती हैं जो इसको मुक्त होकर जीने नहीं दे रही हैं, इसके जीवन में बाधा पैदा कर रही हैं। इसको ये लगता है कि विपरीत परिस्थितियां इसको ख़त्म ही कर देंगी, इनसे बचने का भी कोई रास्ता इसके पास है नहीं, ये डिजीज़ इनक्योरेबल नहीं है, आगे कुछ और बताएंगे। इसलिए महिला को लग रहा है कि सामान तो घर में हमेशा ही रहने वाला है, तो ये आगे ना समझ, क्योरेबल नहीं है, जाने वाली नहीं है स्थिति, जहाँ है वहीं रहेगी और इसको मारती रहेगी। तो इसलिए समस्या का तो कोई समाधान नहीं होगा, इसलिए स्वयं के मन को ही बदलना होगा, पर वो इससे होता नहीं। तो रूब्रिक दिया हुआ है इसमें बहुत ही सुंदर, डेल्यूजन मैन। इस रूब्रिक में छोटा सा मिसप्रिंट है या क्या है,
या मैन लिखा है MEN, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष, नॉट लोग। परफोरेट हिज थ्रोट विद ए गिमलेट, फिर जो मैन यहाँ दिया गया आगे, मैन इन द रूम इंटेंडिंग टू, तो ये मैन में MAN है, तो यानी एक पुरुष है, पहले बहुत सारे पुरुष अब एक पुरुष, तो ये एक वाला जो MEN है वो MAN होना चाहिए, जितना मुझे समझ आया। तो इसका मतलब है कि कमरे के अंदर कोई ऐसा पुरुष मौजूद है जो गिमलेट यानी छेद करने वाली मशीन से उसकी गर्दन में छेद बना देना चाहता है, यानी गर्दन को जख्मी कर देना चाहता है। गर्मी गर्दन क्या होती है, अब आप गर्दन प्राइड होती है, जिम्मेदारियों की बात होती है, आप कभी भी उदासी में गर्दन ऊपर करके नहीं चल सकते, दुखी हालत में, यानी जब छेद हो जाएगा, जब आप दुखी हालत में पहुंच जाओगे। अब ये जो व्यक्ति है कमरे में मौजूद है, इसका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हम रूब्रिक को, तो इसलिए उससे बचना तो पॉसिबल है नहीं। कमरा कौन सा होगा, जहाँ आप बैठे हो उसी कमरे में वो है जो आपकी गर्दन में छेद करना चाहता है, वो भी पुरुष है यानी आपसे शक्तिशाली है, और उसके हाथ में मशीन भी है, तो इन सब स्थितियों में बचना तो मुश्किल है, यानी गर्दन में तो छेद हुआ ही हुआ, तो जब छेद हो जाएगा तो फिर आपकी क्या स्थिति होगी, सांस लेना मुश्किल, मौत तो होगी नहीं आसानी से, तो बहुत जीवन कठिन हो जाएगा। अर्थात वह शक्तिशाली है, उस पर हावी हो जाएगा, और जो नुकसान उसका वो पुरुष करना चाहता है वो तो फिर कर देगा। तो गर्दन में छेद होने पर व्यक्ति का सांस लेना अति कठिन हो जाएगा, ना तो वो मर पाएगा और ना ही जी पाएगा। अगर गर्दन कट गई फिर तो अलग बात है, पर गर्दन काट नहीं रहा, वो उसमें परफोरेट यानी एक छोटा सा छुराग बना देना चाहता है। अर्थात मौजूदा शक्तिशाली हालात, अगर इसको मेटाफोरिकली लें, इसको एक्सपेंशन दें रूब्रिक को, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी हालात जो शक्तिशाली है यानी जिस पे ये काबू नहीं पा सकता, वो इसके जीवन को दुखदायी बना रहे हैं और उनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे घर में भरा हुआ सामान, वो भी सास ससुर का, जिसको ना तो फेंक सकती क्योंकि सास ससुर का सम्मान भी करती है, उनकी भावनाओं की कदर करती है, पर वो सामान इसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ये सामान ही गिमलेट हुआ शक्तिशाली आदमी के हाथ में, इससे बचना मुश्किल है, सिर्फ डैमेज ही हो सकता है इंसान। तो अब इस रूब्रिक में शब्द जो प्रयोग करे गए हैं ये बिल्कुल अलग किस्म के हैं। दूसरा रूब्रिक हम समझते हैं उसमें अलग शब्दों का प्रयोग करके इसी भावना को दर्शाया गया है। वो रूब्रिक है फियर सफोकेशन ग्वाइटर इन, यानी ग्वाइटर में, जब ग्वाइटर हो गया आपको तो दम घुटने का डर बना रहता है। मतलब अब आप देखेंगे तो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग अलग है, पर सूक्ष्मता में अगर आप जाएंगे तो दोनों की एक ही भावना है। तो इसलिए आपको ये रूब्रिक मिलते नहीं है जब मरीज आते हैं तो, और जब मिलते नहीं हैं तो फिर आप दवाई भी नहीं दे सकते, प्रिस्क्रिप्शन बनता नहीं है, इसीलिए फिर हम इनको रेयर मेडिसिन कहते हैं, जबकि रेयर नाम की कोई मेडिसिन होती नहीं है। वो रेयर है ही इसलिए क्योंकि हमको उसकी समझ नहीं है कि हम कैसे प्रिस्क्राइब करें, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसकी। तो अगर इसको विस्तार मेटाफोरिकली समझेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर हर वैरायटी ऑफ पेशेंट में आप दे सकते हैं, हर डिजीज में दे सकते हैं, तो फिर रेयर नहीं रहेगी, फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन यानी पॉलीक्रेस्ट बन जाएगी। तो अब इसको समझते हैं, मतलब ग्वाइटर में दम घुटने का डर। अब ग्वाइटर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो हमारे गर्दन में है उसका जब साइज बढ़ता है तो उसको ग्वाइटर कहते हैं। अब साइज मान लो बाहर की तरफ ऐसे लटक रहा है तो गर्दन का प्रेशर नहीं होगा, दम नहीं घुटेगा, पर यही साइज अगर अंदर बढ़ के प्रेशर करने लगा तो दम घुटेगा। और अब आप ये साइज इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो थायराइड है, तो ये नहीं है कि आपको इसको परमानेंट निकाल के फेंक सकते हो, वो भी रास्ता नहीं है। तो ये रखनी भी है, दबाव भी डाल रही है, तो सेम स्थिति हो गई, सामान है हटा भी नहीं सकते, नुकसान भी कर रहा है, तो बिल्कुल सेम स्थितियां हैं। तो मेटाफोरिकल मीनिंग अलग अलग दिखने वाले रूब्रिकों के भी एक ही जैसे हो सकते हैं।
तो इसलिए मेटाफोरिकल समझना बहुत जरूरी होता है। तो ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि के कारण होता है, और जब इस ग्रंथि का आकार अंदर की तरफ बढ़ेगा तो इसकी इसका श्वास नली पर दबाव बनेगा, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जिसके कारण उसको सांस से ठीक से नहीं आ पाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सांस ठीक नहीं आएगा तो वो व्यक्ति के लिए बहुत परेशान करने वाली स्थिति होती है। जैन थायराइड ग्रंथि व्यक्ति के शरीर का ही अंग है, इसलिए उससे छुटकारा पाना भी संभव नहीं है। मतलब उसका जीवन कठिन होते जाना निश्चित हो गया। ये दोनों रूब्रिक का ये मतलब है, और इनसे बचा नहीं जा सकता। ऐसी भावना अन्य रूब्रिकों को फिर जन्म देगी। जब आपको ऐसी फीलिंग आ गई, मेरे को कठिनाइयों में से निकल नहीं सकते, तो और अलग भी तो थॉट्स आएंगे आपको। वो क्या होंगे? एंग्जाइटी प्रेजेंट अबाउट, ऐसी हालत में मैं कैसे जीऊँ, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट। तो अब ये ऊपर के जो दोनों रूब्रिकों को सूक्ष्मता में एक ही समान अर्थ निकलता है, जबकि दोनों रूब्रिकों के स्थूल अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। अर्थात वर्तमान, इन दोनों का मतलब क्या हुआ सूक्ष्मता में, अर्थात वर्तमान प्रेजेंट में जो शक्तिशाली परिस्थितियाँ हैं उसके जीवन को कठिन बनाती जा रही हैं, और उनसे बचने का कोई रास्ता उसके पास नहीं है। लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि वह स्वयं अपने मन की जरा सी भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगी, यानी अपने मन के अनुसार कुछ नहीं कर पाएगी। हालात के हिसाब से ही चलना पड़ेगा उसको आगे, और वो हालात इतने खराब होंगे कि बिल्कुल जैसे कहना चाहिए दम घुट गया, यानी बिल्कुल अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने पड़ेंगे उसको। अब दुखी तो रहेगी पर जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। यानी न मर के छुटकारा, न हालात बदल के छुटकारा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर व्यक्ति के मन में इतना ज़्यादा डर बना रहेगा तो धीरे धीरे उसकी जो कैपेसिटीज़ हैं, इसका असर सब ऑर्गन्स पे आएगा, सारी फैकल्टीज़ पे आएगा। तो वो क्या होगा फिर, बंदा धीरे धीरे उसकी भूख मरेगी, नींद मरेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दिमाग थक जाएगा, याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी। तो ये फिर कॉमन सिम्टम है। तो ये कॉमन सिम्टम है तो इनके बेस पे दवाई आप दे नहीं सकते। तो इसका सीधा मतलब होता है कि हमारे को किसी दवाई का चुनाव करने के लिए कुछ बेसिक रूब्रिक ज़रूर चाहिए जो उस दवाई की पहचान कराते हैं। तो ये भूख ना लगना, चिड़चिड़ा हो जाना, दिमाग थक जाना, ये तो ज़्यादातर दवाइयों में इनके एडवांस स्टेट में मिलते ही हैं, तो इसलिए इन पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जब व्यक्ति इन समस्याओं को लेकर आएगा तो ऐसी अवस्था में रोगी के लिए सिमिलिमम ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमें फिर से औषधि की मूल प्रकृति को दर्शाने वाले रूब्रिकों का ही सहारा लेना होगा। इसी कारण से हमारी रिपर्टरी में एक ही दवाई के हजारों रूब्रिक दिए गए होते हैं, पर ना तो आप हज़ार याद कर सकते हो और ना उनके आधार पर दवाई का चुनाव कर सकते हो। बस उनसे थोड़ा सा मदद ले सकते हो, चलो ये भी होता है, पर अगर वो रूब्रिक ना भी हो तो भी आप आसानी से आत्मविश्वास से उनको चुन सकते हो, दवाई का सिलेक्शन कर सकते हो, जैसा मैंने इन कुछ केसेस में किया है। तो परंतु औषधि की मूल प्रकृति को दर्शाने वाले कुछ गिने चुने लक्षण ही होते हैं, उन्हीं को सूक्ष्मता से समझना जरूरी होता है। उन लक्षणों को समझ जाने पर औषधि का चुनाव करना अति आसान हो जाता है। तो ये एक तरीका है, बल्कि मैं कहूँगा कि औषधि को समझने का एकमात्र तरीका है। हालांकि लोग फिजिकल पे भी करते हैं, मेजम पे भी करते हैं, थीम पे भी करते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर उनका सिलेक्शन सटीक हो तो घर घर में होम्योपैथी हो, पर ऐसे नहीं है। वो इसीलिए है कि कभी कभी तुक्के से हमारी दवाई लग जाती है तो फिर जनता में हमारी धाक बन जाती है, क्योंकि चमत्कारिक ढंग से रोगी सही होता है, पर वो डॉक्टर ऐसा हर बार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ये सूक्ष्मता की समझ नहीं होती है, हर बार तुक्का नहीं चलता है। तो तुक्के के कारण सर्वाइवल रहा है, ना कि बहुत वेल डिफाइंड प्रिसाइज प्रिस्क्रिप्शन के कारण, ऐसे नहीं रहा। तो इससे आपको
प्रिसाइज प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। धन्यवाद।